स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। माँ ने वादा भी कर दिया और बाबूजी को पता तक नहीं है। राजश्री बता नहीं पाई, शायद घबरा गई होगी। अब विशंभर का भी तो पता नहीं होता, किस बात को लेकर नाराज हो जाए, जिद पकड़ ले। वो शायद कभी नहीं मानता। और अक्षरा, उसे पता है? नहीं बेटा नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। याद है ना पिछली बार वो कितना डर गई थी? अगर उसे अभी पता चल गया तो घबराहट में वो अपने बाबूजी से बात कर बैठेगी और फिर बनती बात बिगड़ जाएगी। लेकिन दादी, बात संभाले भी तो कैसे? जब बाबूजी को पता चलेगा कि हमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। और अक्षरा, उसका ऐसे उस लड़की से अकेले में मिलना उन्हें कभी गवारा नहीं होगा। हाँ बेटा, विशंभर को तो तेरा और शौर्य का रिश्ता भी गवारा नहीं था। हमारे घर में आज से पहले कभी लड़के ने अपने लिए लड़की पसंद नहीं की थी, पर क्या हुआ, विशंभर मान गया। बदलते हुए जमाने के साथ उसे खुद को बदलना पड़ा और देख आज इस शादी से हम सब कितने खुश हैं। खुद विशंभर भी कहता है कि शौर्य के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन मिल ही नहीं सकती थी। एक बार फिर हमें उसी तरह एक नई सोच को अपनाना होगा, जमाने की बदलती रवानगी को देखना होगा, समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। आजकल के लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपने जीवन साथी को सोच समझ के अच्छी तरह से परख कर चुने। तो बेटा, ऐसा करने में गलत भी क्या है? समझदारी तो इसी में है ना कि सदियों से चली आ रही परंपराओं में फिर बदल लाया जाए, ताकि आने वाले कल को अच्छी तरह से तराशा जा सके। बेटा, अक्षरा के लिए, उसके आने वाले कल के लिए अगर आज मुझे विशंभर से कुछ छुपाना पड़े ना तो मैं तैयार हूँ। कमाल है दादी, इतनी मॉडर्न सोच। जबकि आप, जबकि मैं तो यही कहना चाहती है ना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पुरानी हो गई हूँ और कहने से डर रही है? हाँ पगली, अरे अब तो मेरी उम्र हो गई है, सिर के बाल भी पकने लगे हैं, पर मैं चाहती मेरी सोच कभी बूढ़ी ना हो। तूने सुना होगा लोग कहते हैं आदमी शरीर से नहीं मन से बूढ़ा होता है। मन देखा जाए दादी ना, तो मुझे लगता है आप 16-17 साल के आसपास की होंगी। शैतान कहेगी अपनी दादी को छेड़ती है। लेकिन दादी, हमने बाबूजी से भी नहीं पूछा और अक्षरा को भी नहीं बताया, तो मुलाकात होगी कैसे? वर्षा बेटा, तू जानती है तेरी शादी के लिए विशंभर से सबसे ज्यादा जिरह किसने की थी? अक्षरा ने। मेरे बच्चे, अब तेरी बारी है। अक्षरा तेरी ननद भी है और पक्की सहेली भी, इसलिए तेरी तो दुगनी जिम्मेदारी है। तू ही कोई नया रास्ता ढूंढना। मैं? लेकिन मैं क्या, मुझसे ये सब कैसे होगा दादी? मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।